હવે સ્પીચ એન્ડ લેંગ્વેજ થેરાપી છે એ સ્પીચ એન્ડ લેંગ્વેજ થેરાપિસ્ટ દ્વારા અપાય છે અને સ્પીચ થેરાપી બાળકના ઘણા બધા એરિયામાં કામ કરે છે જેમ કે લિસનિંગ સ્કિલ એટલે બાળકને જે કહેવામાં આવે તે બાળક સમજે અને સૂચનાનું પાલન કરે એ શીખવાડે છે ગ્રામર સ્કિલ્સ કે ગ્રામરનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવતા શીખવાડે છે વોક્યુબ્યુલરી સ્કિલ્સ એટલે શબ્દની સમજ આપે છે શબ્દભંડોળ વધારે છે અને જરૂર પડે ત્યારે તે શબ્દ યાદ કરીને બોલવાની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે ક્વેશ્ચન સ્કિલ્સ કે બાળકને પ્રશ્નોના જવાબ આપતા શીખવાડે છે અને જુદા જુદા પ્રકારે પ્રશ્ન પૂછતા શીખવાડે છે સોશિયલ લેંગ્વેજ સ્કિલ એટલે કે પ્રાગમેટિક એટલે ભાષાની મદદથી બીજાની જોડે ઇન્ટરેક્ટ થતા એટલે કે ભળતા શીખવાડે છે પ્લસ એમને સામાજિક નિયમોનું પાલન કરતા પણ શીખવાડે છે My name is Shetal Shah. I am an audiologist and speech pathologist. Today, our topic is teaching yes no concept to the child. But for this, child has to have enough vocabulary. So, yes no question सिखाने के लिए हम कोई भी object ले सकते हैं, common object ले सकते हैं, जैसे ball. Ball लेके हम child को पूछेंगे, is this a ball? First, child का कोई reaction नहीं होगा. दूसरी टाइम पूछेंगे इज दिस अ बॉल देन चाइल्ड कुछ नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे से यस देन चाइल्ड रिपीट्स द यस फिर दूसरा लेंगे इज दिस अ मोबाइल हम बोलेंगे से यस देन चाइल्ड रिपीट्स द यस आफ्टर सर्टन एक्सरसाइज चाइल्ड को ये पता चलेगा और इज दिस अ लेग तो हम बोलेंगे नो देन चाइल्ड रिपीट्स द नो आफ्टर सर्टन क्वेश्चंस नाउ चाइल्ड knows that कब yes बोलना है और कब no बोलना है then धीरे धीरे हम सिर्फ child को prompt करेंगे is this a ball then हम सिर्फ prompt करेंगे yes then child react करेगा yes तो हम उस पर praise करेंगे यहाँ भी after certain questions हम prompting के द्वारा उसको थोड़ा सिखाएंगे एक बार वो prompting के द्वारा सीख ले then धीरे धीरे वे हम prompting को eliminate करेंगे और चाइल्ड अपने आप ही उसका आंसर देगा और इस तरीके से हम यस नो क्वेश्चन कंबाइंड पूछ सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जैसे कि डस डॉगी से भाव भाव डस कैट से म्याव म्याव और डस कैट से भाव भाव डस कार फ्लाई इन द स्काई और क्या मून सुबह आता है डिड यू ईट रोटी टुडे और डिड यू गो टू स्कूल टूडे तो इस तरीके से वेरियस क्वेश्चंस पूछ के हम उसको यस नो की प्रैक्टिस दिलवा सकते हैं एक बार उसको यस नो में वो कॉन्फिडेंट हो गया बाद में फिर से हम क्वेश्चन करेंगे इज दिस अ लेग यस और नो तो हमने पूछा यस और नो में से उसको एक आंसर चूज करना है बट ज़्यादातर ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं वो रिपीट करेंगे यस और नो जैसे हमने पूछा क्या ये लेग है और हमने पूछा यस और नो से यस और नो तो वो ऐसे ही बोलेंगे से यस और नो या तो ज़्यादातर जो पीछे के वर्ड्स है वो ही बोलेगा अगर हमने यस नो पूछा तो वो नो ही बताएगा रादर उसका आंसर यस है तो भी और हमने नो यस पूछा तो वो यस ही पिक करेगा तो उसमें भी हम धीरे धीरे प्रॉम्प्टिंग के द्वारा सिखाएंगे कि कैसे एक आंसर को ही चूज करना है तो इस तरीके से धीरे धीरे यस नो हमने से यस नो तो उसमें से उसको एक आंसर चूज करके आंसर देना है तो इस तरीके का आने के बाद हम चाइल्ड को अगर चाइल्ड ने किसी पे बोला नो दैट इज द इज दिस लेग तो चाइल्ड ने बोला नो देन व्हाई व्हाई आपका आंसर क्यों नो है तो उसका सही आंसर क्या है तो चाइल्ड को ये पता होना चाहिए और ये बोलना भी चाहिए कि नो दिस इज नॉट अ लेग दिस इज अ हैंड तो हम कुछ भी क्वेश्चन करेंगे अगर उसका आंसर नो में है तो उसका सही आंसर क्या है वो धीरे धीरे हम चाइल्ड को प्रैक्टिस करवा सकते हैं तो इस तरीके से हम चाइल्ड को यस नो सिखा सकते हैं पर ये बात है वर्बल बच्चों के लिए कि जो बच्चे बोल सकते हैं पर जो बच्चे नहीं बोल सकते दैट इज जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं उसको यस नो कैसे सिखाना है जैसे कि वो नॉन वर्बल बच्चे भी अगर यस नो
इंडिकेट आपको बता सके तो भी उसका उसकी जिंदगी थोड़ी आराम से कट सकती है। तो नॉन वर्बल बच्चों के लिए हम हेड नोडिंग के द्वारा भी यस नो उसको सिखा सकते हैं कि कब यस बोलना है कब नो बोलना है। हेलो, आई एम शीतल शाह। आज हम जानेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव वॉक्यूबलरी इन द चाइल्ड। वॉक्यूबलरी विद शब्द भंडोल, यानी चाइल्ड अपने आप से कितने शब्द वो सही बोलता है, अपने आप से बोलता है, तो उसको हम वॉक्यूबलरी कहते हैं। तो वॉक्यूबलरी चाइल्ड में बढ़ाने के लिए हमें चाइल्ड के साथ बहुत बातें करनी जरूरी है। चाइल्ड जो भी दिन भर में करता है वो भी बोलना है। जैसे चाइल्ड नहाता है तो हम बोलेंगे आप नहाने जा रहे हो, आप नहा रहे हो, आपने शुशु किया। जब आप उसकी आईज क्लोज करें तो देखो मैं अपनी आईज क्लोज कर रही हूँ, फिर सोप लगा रही हूँ। जैसे टी शर्ट पहना रहे हो तो आप उसको बोलो चलो हैंड्स अप, आपके हाथ ऊपर हुए। तो इस तरीके से जितना हो सके चाइल्ड के साथ बातें करनी है। और आप जो दिन भर में करते हो वो भी चाइल्ड को बताना है कि देखो मम्मा ग्लास से पानी पी रही है, या मम्मा हेयर कॉम्ब कर रही है, मामा शूज पहन रही है। जितना आप चाइल्ड के साथ बातें करेंगे उतनी ही चाइल्ड की वॉक्यूबलरी बढ़ सकती है। और वॉक्यूबलरी बढ़ाने के लिए आप पहले कोड वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि खाना है, प्ले है, ईटिंग है, सी है, कि जो हम दिन में 10 बार बोलते हैं, यू ईट, आप खाओ, आप पियो, आप ड्रिंक करो। तो वो कोर वर्ड से भी आप वॉक्यूबलरी चालू कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे आप फ्लैश कार्ड्स यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल्स, या फ्रूट्स, या यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, धीरे 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 करके इन सब के आप उसको नाम बता सकते हैं। और धीरे धीरे पहले वो पहचानेगा कार्ड्स को और फिर धीरे धीरे वो नाम बोलेगा। और आप जानते हो कि जितनी ज्यादा वॉक्यूबलरी होगी उतना धीरे धीरे बच्चा सेंटेंस पे जाएगा। जैसे कहते हैं कि 2 इयर्स के बच्चे में अगर 40 to 50 वर्ड्स की वॉक्यूबलरी होती है तब जाके वो बच्चा 2 वर्ड्स का सेंटेंस बोल सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंस है कि जितनी वॉक्यूबलरी बढ़ेगी उतना बच्चे का सेंटेंस लेंथ भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी वॉक्यूबलरी बढ़ा सकते हैं। એટલે જેટલું બને એટલું બાળકને અર્લી ઇન્ટરવેન્શન મળી રહે એ બહુ અગત્યની વાત છે. નમસ્તે.